सनीता आप लोग को आज क्लास टू की हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 9 काम वाले शब्द। इसको बोलते हैं हम लोग क्रिया। काम वाले शब्द मतलब सुबह से लेके, सुबह उठने से लेके रात सोने तक हम लोग जो भी काम करते हैं सब क्या है, क्रिया है। सुबह उठते हैं, उठना, ब्रश करना, नहाना, खाना पीना, नाचना गाना, दौड़ना, सारा सोना, सब क्या है, क्रिया है। तो आज हम लोग क्रिया का परिभाषा हम लोग जानेंगे। किसी काम को करने या होने के बारे में बताने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। किसी काम को करने, कोई भी काम को हम लोग जो करते हैं, कोई भी काम करते हैं या होने के बारे में पता चलता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे बढ़ना, नाचना, गाना, हंसना, रोना, तैरना, दौड़ना आदि, और भी कुछ, बहुत कुछ। इसका परिभाषा आप लोगों को समझ में आया? फिर से एक बार बोलते हैं, किसी काम को करने या होने के बारे में बताने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे कि सीता नाच रही है, सीता क्या कर रही है, नाच रही है, इसमें क्या काम हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है, तो इसमें क्रिया शब्द हम लोग बोलेंगे ढूंढने तो बोलेंगे नाच रही है, ये क्रिया शब्द है। अब बुक में हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 48 में, इसमें बोला गया, इसमें इस चित्र में बहुत कुछ हो रहा है कि नहीं, दो बच्चे हैं, बारिश हो रही है और तैर भी रहे हैं, कुछ पक्षी नाव तर रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है पढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं और पहचानने का कोशिश करेंगे कौन सा क्रिया शब्द है। बारिश की बूंदें टपक रही है, बारिश की बूंदें टपक रही है, इसमें बारिश की बूंदें क्या काम कर रही है, टपकने का काम कर रही है, तो टपक रही है क्या है, क्रिया है। दीपक नाव तैरा रहा है, दीपक नाव को क्या करवा रहा है, तैरा रहा है, तो इसमें क्रिया शब्द है तैरा रहा है। नेहा बरामदे पर बैठी है, वो नेहा बरामदे पर क्या काम कर रही है, बैठने का काम कर रही है, वो भी एक क्रिया है। वह दीपक को देख रही है, देख रही है, वो भी एक क्रिया है, देखना भी एक क्रिया है। एक कुत्ता भीग रहा है, भीग रहा है, इसमें कुत्ता भीग रहा है, वो भी एक क्रिया है। मतलब किस कोई भी काम हम लोग जो करते हैं और या फिर होने का हम लोग को पता चल रहा है वो क्रिया है। जैसे आपने देखा कि टपकना, तैरना, बैठना, देखना और भीगना शब्द किसी न किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं, है कि नहीं। जैसे कि काम वाले कुछ शब्द इस प्रकार है, जैसे पढ़ना, इस चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में पढ़ रहा है बच्चा, है ना, ये पढ़ने का काम कर रहा है, ये नाचने का काम कर रही है, नाचना, ये गा रहा है, और ये कौन सा क्रिया कर रहा है, बेचना, ये बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, खरीदना, ये खरीदने का काम कर रहा है, मांगना, ये भी कुछ मांग रही है अपने भैया से, तो ये भी क्या है, क्रिया है। और क्या है, लिखना, लिखने का काम हो रहा है, खेलना, ये खेलने का काम हो रहा है, और ये झांकना, ये भी एक क्रिया है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्रिया शब्द है, सुबह से लेके शाम तक हम लोग जो भी करते हैं सब क्रिया है। जैसे दौड़ना, लेना, खाना, धोना, तोड़ना, मांगना, हंसना, देना, भागना, कूदना, बोलना, चढ़ना, आना जाना, पकड़ना, उछलना, ये सब सब क्रिया है। यानी समझ में आ गया, काम वाले शब्द को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। चाहे सुबह से रात तक जो भी काम करे, सोने का ही काम करे वो भी क्रिया है, रोने का काम करे वो भी क्रिया है। जब वाक्य में काम वाले शब्द आते हैं तब उनका रूप बदल सकता है, इसे इन वाक्यों में समझ सकते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे, तो गिरे लिखे तो ये भी गिरने का ही ना काम हो रहा है, पेड़ से पत्ता क्या कर रहा है, गिर रहा है, तो वो भी क्रिया है, गिरे क्रिया है। चोर भाग रहा है, चोर क्या काम कर रहा है, भागने का काम कर रहा है, तो भाग रहा है वो क्या है, क्रिया शब्द है। निशा गेंद पकड़ती है, निशा क्या कर रही है, गेंद को पकड़ रही है, तो पकड़ने का भी ये काम है, ये क्रिया है। कुछ बच्चे खेलेंगे, खेलेंगे बोलेंगे वो भी उसमें बोलेंगे क्रिया शब्द क्या है, कुछ बच्चे खेलेंगे, इसमें क्रिया शब्द क्या है, खेलेंगे। तो समझ में आ गया क्रिया क्या है, क्रिया बहुत ही आसान है। सुबह से लेके रात तक जो भी क्या करते हैं, काम करते हैं, वो किसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्रिया को हम लोग इस तरह परिभाषा में बोलेंगे, किसी काम को करने
या होने के बारे में बताने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। किसी काम के होने के कर होने या करने के बारे में बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। समझ में आ गया? क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, थैंक यू। ऐसा नहीं।